सबसे जरूरी है सही कोच का होना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट को और करें अपने ऑल इंडिया AEJEE एंड IAS का सपना साकार। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है क्या, बताइएगा जरा प्लीज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नीरव जी, केतन जी, कैलाश जी, पारिक जी, सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है क्या, बताइएगा जरा। एकदम जोरदार है। हाँ, कल सेल चेंज करवाए है ना आपने, जोरदार तो होगी। गुड इवनिंग। एक मिनट वेट करिएगा, स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मेरा था, पहले ही आ चुका है, वो रिकॉर्डेड पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, विदाउट एनी डिले। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द GSE SEL मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर महाट्रांसको एग्जाम्स। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कई टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हमें यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, एज वेल एज न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली करिएगा, इट मे बी अपीयर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं। तो हम जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, हर एक सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो सीखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द जेड पैरामीटर Z11 इन द सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट शोन किया गया है हमारे पास, यहाँ पे जेड पैरामीटर हमें बताना है। इसका जेड पैरामीटर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 ओम, 1.5 ओम, 2 ओम, 2.5 ओम। प्लीज बताइएगा विच विल बी द राइट आंसर। आपके पास 25 से 30 सेकेंड का टाइम है, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज बताइएगा। जेड पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे इजी तरीका तो हमारे पास यही है कि हम इक्वेशन लगाए V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। लेकिन हमें तो केवल फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, Z11 निकालना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो अल्टीमेटली हमें इक्वेशन तो किस साइड लगानी है, इनपुट साइड ही लगानी है, V1 साइड। अगर आप यहाँ पर देखो Z1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, Z1 इज द रेशियो ऑफ V1 एंड I1 विदाउट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर वैन I2 इक्वल टू जीरो।
मतलब जब आप आई टू को जीरो कर दोगे, यहाँ पे जो आई टू करंट होगी अगर उसको आप जीरो कर दें, तो हमारे पास वी वन और आई वन का जो रेशियो होगा, उसी वी वन और आई वन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जेड वन वन बोलते हैं। तो जेड वन वन हमारे पास, इसको फाइंड आउट करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप जो है ना वी वन और आई वन का रेशियो निकाल दो। वी वन और आई वन का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो होगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप देखो जरा प्लीज, यहाँ पे जो इनपुट साइड पे जो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जेड वन वन बोलेंगे। या फिर आप ऐसा दूसरा लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें वो कैलकुलेट करना है। सिंपली आपके पास ये सर्किट रह जाएगा, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर आपके पास 2 ओम है, यहाँ पे अगेन 2 ओम है, और फिर 4 ओम है। आप क्या करिए, सिंपली वी वन और आई वन का रेशियो निकालना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप जो है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो फ्रॉम दिस टर्मिनल। यहाँ पे जो भी आर इक्विवेलेंट होगा वही हमारे पास वी वन और आई वन का रेशियो होगा। कैलकुलेट करके बताइएगा, हिंट आपको दे दिया गया है, प्लीज कैलकुलेट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। सभी कैलकुलेट करके बताइए जरा। देखो आपके प्रीवियस एग्जाम में जेड टू पोर्ट नेटवर्क से सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको सीखने की कोशिश जरूर करिए। गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। 6 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल। अल्टीमेटली 6 ओम और 2 ओम पैरेलल हो जाएगा, 6 और पैरेलल 2 आ जाएगा, तो 12 अपॉन 6 इंटू 2 अपॉन 8, 12 अपॉन 8 दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3 बाई 2 1.5 ओम ये आ जाएगा। अल्टीमेटली आप आगे देखोगे यहाँ रह जाएगा 1 ओम और यहाँ रह जाएगा 1.5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया, 2.5 ओम आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसेप्ट सीखते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में और कैसे क्वेश्चन देख दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको Z22 पूछ लेते तो Z22 हमारे पास किसका रेशियो होता है, Z22 रेशियो होता है V2 अपॉन I2 और विद एज्यूमिंग I1 इक्वल टू 0, है ना। तो हमारे पास तब हम क्या करते, तब हम इस केस में यहाँ से देखते कि सेकंड या आउटपुट साइड से या आउटपुट पोर्ट से हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हम V2 अपॉन I2 का रेशियो निकालते और I1 को क्या कर देते, जीरो कर लेते। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता, कमेंट करके बताइए। ये बता सकते हो क्या Z22 कितना आता इस क्वेश्चन के लिए, अगर कोई आपको Z11 समझ में आ गया हो तो Z22 कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आएगा। कमेंट करके बताइएगा कितने लोग सही आंसर देते हैं, देखते हैं जरा। Z22 is the ratio of V2 upon I2 with assuming I1 equal to 0. इसका मतलब आपको सिंपल सी बात है R equivalent कैलकुलेट करना है एट आउटपुट पोर्ट। आउटपुट साइड पे आपको जो भी R equivalent आएगा वही निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास R equivalent कितना रहेगा, कैलकुलेट करके बताइए जरा प्लीज। अगर आप देखोगे R equivalent कैलकुलेट करने की, यहाँ पर I1 जीरो है तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा ये 2 ओम और 2 ओम क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। ये अगर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करोगे तो सर्किट कैसा बनेगा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है, और करंट ही नहीं है तो उस रेजिस्टेंस पाथ को हम नहीं कंसीडर करते हैं। 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम, और अगेन 4 ओम के पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Z22 क्या आ जाएगा, 4 पैरेलल 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात, अगर Z22 पूछा जाता तो हमारे पास कितना आता, 2 ओम आता। तो इस तरह से आप जो है कोई भी पैरामीटर निकालना हो, आपको ध्यान देना है कि कौन से पार्ट को जीरो करना है, और उसके बाद जो है आप कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है, इस सिग्नल की पीक वैल्यू बतानी है। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। जैसे हमारे पास कोई भी सिग्नल है VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा T, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होती है, हमारे पास VM होती है ना, यही हमारे पास पीक वैल्यू होती है। लेकिन ये जो सिग्नल दिया हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल है, और इसकी पीक वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है आपके पास 1 cos ωt +60° -1 sin ωt +30°।
तो पीक वैल्यू तो तब निकालो जब आपके पास या तो दोनों को आप क्या बना दो, कोसाइन बना दो, या फिर दोनों को क्या बना दो, साइन बना दो, तभी आप निकाल पाओगे। इसकी पीक वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जरा प्लीज, फटाफट करिएगा। एक काम करिएगा ना, कोस के एक्सप्रेशन को साइन में चेंज कर दीजिए, ठीक है? साइन में चेंज कर दोगे तो फटाफट हो जाएगा। ट्राई करिए, देखो यहाँ पे हमें केवल सीखना है और हम जो है प्रैक्टिस कितना कर पाते हैं वही आपको मेन एग्जाम में काम आएगा। अगर यहाँ पे ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता है तो सीखिए उस बात को, बस यही हमारा टारगेट होना चाहिए। क्या होगा बताओ, अगर आप इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 sin ωt, और आपको -90 कर दोगे ना, तो -90 कर दोगे, कॉस में अगर -90 कर देते हैं तो -sin θ आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -30 डिग्री, 1 sin ωt +30 डिग्री, +30 डिग्री आएगा कि -30 डिग्री आएगा, देखो जरा प्लीज इसको देखो फटाफट। यहाँ पे आपने -30 लिखना है, यहाँ पे -30 है, ठीक है? इसको अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, -2 sin ωt -30 डिग्री। दोनों सिग्नल को हमने एक कॉमन सिग्नल में चेंज कर दिया, और इसका पीक वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है ना, कितना है हमारे पास, 2 है, अंडर रूट 2 नहीं होगा, पीक वैल्यू है। अगर RMS वैल्यू पूछते हैं ना तो हमारे पास क्या होता, पीक वैल्यू का डिवाइड बाई √2, Vm/√2, तो हमारे पास कितना हो जाता, 2/√2, तब हमारे पास √2 आता है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहां पर हमारे पास पीक वैल्यू पूछा है, दैट विल बी द सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, देखो ऐसे आपके सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जितना मैंने पेपर एनालिसिस किया है सर्किट के क्वेश्चन देखिएगा आप जरूर। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट शोन बिलो इज, ये कोई भी आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, इसका टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है। टाइम कॉन्स्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे कि हमारे पास RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, सीरीज RLC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, पैरेलल RLC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है हमारे पास। ये जो सर्किट दिया हुआ है ये हमारे पास कैसा सर्किट है, RC सर्किट है, और RC सर्किट का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है RTH इंटू CTH होता है ना, RTH और CTH होता है, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके बताओ कैसे करोगे। कैलाश जी 3 RC बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। अर्जुन जी, नील जी बहुत बढ़िया, कमेंट करिए जरा प्लीज, गलत होगा तो होगा, अभी गलत कर लो ना, मेन एग्जाम में जाके क्यों गलत करना, अभी सीख लो। ट्राई जरूर करो, गलत चले गलत सलत कैसा भी आए ट्राई जरूर करो हमारे पास यहाँ पर। अगर गलत करोगे तो अभी सीख जाओगे, मेन एग्जाम में तो गलती नहीं कर पाओगे, और मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं की तो आप सेलेक्ट होगे, यही तो बात ध्यान रखनी होती है। मेन एग्जाम में जितना नेगेटिव मार्किंग कम हो वही तो हमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। देखो जरा प्लीज, यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले CTH कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो बेचारा अकेला एक ही है, वो कितना है, CTH हमारे पास C दे रखा है, अकेला कैपेसिटेंस है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अब उसके बाद RTH कैलकुलेट करते हैं, तो RTH कैसे कैलकुलेट किया जाता है, RTH में दूसरा जो भी एलिमेंट है ना उसको एज ए लोड कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कौन सा हमारे पास, कैपेसिटेंस है, इसको एज ए लोड कंसिडर करेंगे तो टर्मिनल A रहेगा, यहाँ पे टर्मिनल B रहेगा, और इसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, ऐसे लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं ना। तो RTH कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये R ऐसे इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2R, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टर्मिनल A और B को हमने एज ए लोड कंसिडर कर दिया। तो RTH कितना आएगा इस टर्मिनल पे, RTH आ जाएगा 2R × R अपॉन 2R + R, दैट इज द 2R² अपॉन 3R, ये आ जाएगा 2R/3। अल्टीमेटली हमारे पास RTH आ गया 2R/3, और CTH कितना आ गया, C आ गया।
तो ये हो जाएगा 2RC/3, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग होगा, आरसी सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 2RC/3, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगर आपने गलत किया है तो आप सीखिएगा इसमें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस टेबल को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कैसे भी टाइप का सर्किट हो, सीरीज हो या पैरेलल सर्किट हो, कैसे भी RL सर्किट हो, उसका टाइम कांस्टेंट जो होता है L/R होता है। अगर बहुत सारे इंडक्टेंस हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो LTH/RTH कर देना, ठीक है ना। थेवनिन अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो आप जो है सिंपली LTH/RTH कर देना। उसी तरह अगर आपके पास सीरीज या पैरेलल RC सर्किट है तो उसमें आपके पास टाइम कांस्टेंट हो जाता है R और C, और बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है तो RTH एंड CTH, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा। उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं मालूम होता है सीरीज RLC सर्किट के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए हमें मालूम होता है, थर्ड और फोर्थ के लिए नहीं मालूम होता है। अगर हमारे पास सीरीज RLC सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट आप क्या लिख सकते हो, 2L/R, ठीक है। और अगर आपके पास पैरेलल RLC सर्किट है तो 2RC कर दीजिएगा। याद रखने का तरीका यही है कि जो L/R है उसका ट्वाइस कर दीजिए इधर, और RC सर्किट के लिए हमारे पास जो है 2RC इधर कर दीजिएगा ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, अगेन टू पोर्ट नेटवर्क से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमारे पास जो है H पैरामीटर निकालने, तो H पैरामीटर की इक्वेशन याद होनी चाहिए। जब इक्वेशन याद होगी तो उसको अप्लाई करना है हमें, चाहे KVL लगाओ या KCL लगाओ, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके ही हम H पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो देखिएगा जरा प्लीज, आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को करके बताते हैं, ठीक है। H पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होती है, अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। V1 इक्वल टू H11I1 प्लस H12V2, I2 इक्वल टू H21I1 प्लस H22V2। यहाँ पे तो हमें चारों पैरामीटर निकालने हैं ना, चारों पैरामीटर निकालने हैं, इसका मतलब लूप तो लगाना ही पड़ेगा, अब हम बच नहीं सकते। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमें कोई एक इंडिविजुअल पैरामीटर निकालना है ना, तो जिस टर्म को हमें जीरो करना है उसको हम जीरो कर देते हैं, है ना। लेकिन अभी तो हमें सारे पैरामीटर निकालने हैं, H11, H12, H21, H22, तो आपको जो है यहाँ इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, V1 की इक्वेशन चाहिए, तो V1 की इक्वेशन किधर मिलेगी हमारे पास, वोल्टेज के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, KVL लगाना पड़ेगा। लगा दीजिएगा इधर, अगर आप देखोगे यहाँ पर KVL लगा के, तो आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, कमेंट करके बताइएगा। एक तो आपको करना है KVL लगाना है पहले इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, I2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 300 I1 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन आपको I2 इक्वल टू 300 I1 मिल जाएगा। फिर आप कंपैरिजन करिए और आंसर बताइएगा, दो इक्वेशन मैंने बता दिया कैसे मिलेगी आपको, कंपैरिजन करिएगा और आंसर बताइएगा। फटाफट ट्राई करो, एक बार ट्राई जरूर करना है हमें। इस सेशन का केवल एक ही मकसद है, पहले आप ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता है तो डिटेल से हम बता रहे हैं, ताकि जो है आपका हाथों हाथ सॉल्यूशन कवर हो जाए, बस यही चीज हमें करना है। और अगले 7-8 दिन में हम यही करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल डर खत्म हो जाए। ट्राई करिए जरूर, गलत हुआ तुरंत उसको नोट करो कि ये कंसेप्ट है। देखो जरा प्लीज, अगर हम पहले KVL की इक्वेशन देखेंगे तो KVL की इक्वेशन क्या आएगी, KVL की इक्वेशन आएगी V1 इक्वल टू 50 I1, बस इससे कंपैरिजन करना है, और I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 I1। तो अल्टीमेटली आप इसको कंपैरिजन करोगे, V1 इक्वल टू आ जाएगा 50 I1, और दूसरा कुछ है नहीं, तो उसको आप क्या करो, छोड़ दो ब्लैंक। और दूसरा I2 इक्वल टू क्या आया आपके पास, 300 I1 आ गया। जब हमें दूसरी टर्म हमें नहीं मिल रही है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इस दूसरी टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0V2, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 0V2। अब आप कंपेरिजन करिए, H11 कितना आया, H11 आ गया 50, H12 कितना आया, H12 0 आ गया, H12 0,
यहाँ पर H21 कितना आ जाएगा हमारे पास, H21 आ जाएगा 300 कंपैरिजन करोगे तो, और H22 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 50 0 300 0। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर, जो गलत हो रहा है बी ऑप्शन दिया है तो उससे सीखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आपके क्वेश्चन ट्रांजिएंट से बनता है तो ट्रांजिएंट से इस कंसेप्ट के थ्रू जो है आप सारे लगभग क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा प्लीज, क्या पूछा गया, एक आरएल सर्किट है, चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया। आफ्टर कीपिंग द स्विच ओपन के ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सर्किट, कब लॉन्ग टाइम के लिए इस सर्किट में इस स्विच को ओपन रखा गया है, ठीक बात है, रखा गया तो बढ़िया बात है, इंडक्टर को कुछ ना कुछ आपने एनर्जी दी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज सडनली क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया गया। द करंट आई टी थ्रू द इंडक्टर एट टी ग्रेटर देन जीरो विल बी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप सीख लीजिए, अगर आप कर सकते हो तो पैरेलल में साथ में करते जाइएगा। इस क्वेश्चन में हमें इंडक्टर के थ्रू करंट बताना है ना, आई टी बताना है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई टी निकाला कैसे जाएगा आरएल सर्किट के लिए, उसके लिए बस आपको तीन चीजें चाहिए। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे हम, जो इंडक्टर में से कभी भी आरएल सर्किट हो ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, आईएल इंफिनिटी प्लस आईएल नॉट माइनस आईएल इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट। अब आपको यहां पर तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले तो आईएल नॉट चाहिए। आईएल नॉट कब मिलती है, आईएल नॉट का मतलब ये है कि फोर टी लेस देन जीरो सर्किट जो भी बनेगा उसमें आपके पास इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने पर जो भी इंडक्टर में से करंट जाती है उसको बोलते हैं आईएल नॉट। तो सबसे पहले तो आपको आईएल नॉट कैलकुलेट करना है, टी लेस देन जीरो के लिए सर्किट देखना है कैसा बनेगा, उसके बाद जो है आईएल नॉट इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो ये चाहिए हमें, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद चाहिए हमें टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कांस्टेंट आपको आरएल सर्किट के लिए क्या होगा, एल बाई आर होगा। ये कौन से सर्किट के लिए बनाना है, फोर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जो भी सर्किट होगा उसके लिए एल बाई आर कर देना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था एल बाई आर टी एच, उस तरह से आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। और फिर तीसरा केस करना है, तीसरे केस में हमें आई एल इन्फिनिटी फाइंड आउट करना। आई एल इन्फिनिटी का मतलब ये है कि फोर टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कौन सा सर्किट होगा, टी लेस देन जीरो वाला या टी ग्रेटर देन जीरो वाला। टी इक्वल टू इन्फिनिटी तो टी ग्रेटर देन जीरो पे रहेगा, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अरे प्रभु ये तो प्रॉब्लम हो ही गई ना, वाह अर्जुन जी गजब काम कर दिया, आखिर का आपने रोक ही लिया इनको। ये तो अंग्रेज आते रहते हैं, जब भी इनको थोड़ा सा मौका मिलता है ना अंग्रेज जरूर आएंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर एक जो एक दो और बना देते हैं, आपको भी बना देते हैं। कैलाश जी किधर गए, ठीक है देखिएगा जरा प्लीज। अब हमें टी इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा, टी ग्रेटर देन जीरो सर्किट पे, वहां पे भी हमें क्या करना है, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करना है और उसमें से जो जाने वाली करंट है ना वो फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें चाहिए, अगर आरएल सर्किट है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर हमारे पास आरसी सर्किट है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वीसीटी इक्वल टू वीसी नॉट प्लस वीसी इन्फिनिटी प्लस वीसी नॉट माइनस वीसी इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टी। तो वहां पे जो है ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वोल्टेज की टर्म में चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन तीन चीजों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट में हमें आई एल नॉट कैलकुलेट करना है और टी लेस देन जीरो का सर्किट देना देखना है। तो चलो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में टी लेस देन जीरो का सर्किट क्या बोला गया, स्टेप फर्स्ट में टी लेस देन जीरो सर्किट में स्विच ओपन था, चलो स्विच ओपन रखते हैं। स्विच जब ओपन रखोगे सर्किट कैसा बनेगा, प्लस माइनस 5 वोल्ट, और सर्किट को या स्विच को ओपन रखेंगे तो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इंडक्टर को शॉर्ट करोगे तो इसमें से कितनी करंट जाएगी,
इसमें से जाएगी 5/4 एम्पियर, मतलब 1.25 एम्पियर। चलो ये हो गया फैसला, हमारे पास आईएल लोड मिल गया। आईएल लोड कितना मिला हमारे पास? 1.25 एम्पियर। ठीक बात, ये हम वैल्यू यहाँ रख देंगे। उसके बाद हम जो है सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में हमें कौन सा सर्किट बनाना है टी ग्रेटर देन जीरो वाला, और उसमें टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है। टी ग्रेटर देन जीरो वाला सर्किट बना देते हैं। स्टेप सेकंड में क्या बोला गया, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए स्विच को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब भी स्विच को क्लोज करोगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये डीसी वोल्टेज है 5 वोल्ट, यहाँ पर 2 ओम है, और यहाँ पर आपके पास शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने स्विच क्लोज, और इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे टाइम कांस्टेंट क्या निकलेगा, एल बाई आर, और एल बाई आर कितना होगा, 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, दैट मीन्स 0.5। ये दूसरी वैल्यू आ गई टाइम कांस्टेंट की, 0.5 आ गया। अब हमें चाहिए आई एल इन्फिनिटी, केवल एक लास्ट वैल्यू चाहिए। तो लास्ट वैल्यू में अगर आप देखोगे, अब लास्ट वैल्यू में हमें देखना है कि हमें कौन सा सर्किट चाहिए। हमें सर्किट चाहिए टी ग्रेटर देन जीरो वाला सर्किट, जिसमें इंडक्टर को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे कर देंगे इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो भी करंट जाएगी उसको बोलते हैं आई एल इन्फिनिटी, और आई एल इन्फिनिटी की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 5/2, दैट मीन्स 2.5 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास 2.5 एम्पियर। अब सारी वैल्यू रख लो, मुझे आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आने वाला है? सारी वैल्यू जल्दी से रखिएगा और आंसर बताइएगा क्या आने वाला है। यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो आपको इसका एक छोटा सा पार्ट भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट इंडक्टर करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, या टी लेस देन जीरो, ऐसा छोटा सा पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2.5 + 1.25 - 2.5 e^-t/0.5, ये सारी वैल्यू रख दी, ये आ जाएगा 2.5 + -1.25 e^-2t, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5 - 1.25 e^-2t, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, दो कंटिन्यूअस सिग्नल दिए हुए हैं हमारे पास। xt दिया हुआ है e^-t, और yt दिया हुआ है हमारे पास e^-2t। ये दोनों t ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है। आपको कन्वोल्यूशन बताना है इन दोनों का, कन्वोल्यूशन क्या होगा, कन्वोल्यूशन क्या होता है बताओ जरा। अगर आपके पास दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन लिया जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उन दोनों का कन्वोल्यूशन आप कैसे लिखते हो, कन्वोल्यूशन लिखते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे ना तो इन दोनों का क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है डायरेक्टली। डॉट प्रोडक्ट क्या, मल्टीप्लाई हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट तो EMFT में बोलेंगे, e^-t का एक्सेस कितना होगा, 1/s + 1, और e^-2t का ys कितना होगा, 1/s + 2। कन्वोल्यूशन लैपलास ट्रांसफॉर्म से करोगे तो इजी पड़ेगा, है ना, 1/s + 1 × 1/s + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा a/s + 1 + b/s + 2। a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, उसके बाद जो है आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना। लीजिएगा जरा प्लीज, a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालना आता है क्या आपको, a की वैल्यू में हम क्या करेंगे, s + 1 इसके नीचे है ना, तो s = -1 पूरे एक्सप्रेशन में रख देंगे। s = -1 रखोगे ना इस एक्सप्रेशन में, तो ये वाली टर्म हटा देना, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 / s + 1, और b की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी -1। ठीक है, आप चेक करिएगा a और b की वैल्यू, और अब हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो e^-t e^-2t, यही हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, e^-t e^-2t, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक बात, ये हमारे पास सिग्नल सिस्टम से भी रिलेटेड मान सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर जो है आप जो है यहाँ पर हमारे पास लाप्लास से भी रिलेटेड मान सकते हो। तो सिग्नल सिस्टम के भी आपके क्वेश्चन बने हैं पिछली बार, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पिछली बार आपके थियोरटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है, और हो सकता है आपके न्यूमेरिकल भी इस तरह से पूछ ले, तो ये चीज जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीटली जो है आपके प्रीवियस पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेव सेफ इफ द एम्पलीट्यूड ए इज वन। आपको यहाँ पे जो है एक वेव दी हुई है, कैसी वेव है, हाफ वेव रेक्टिफाइड सॉटूथ वेव है। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफाइड सॉटूथ वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होता है ये बताना है, और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। कैलकुलेट करके बताइएगा, सिग्नल में से दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। सिग्नल में आप ध्यान रखिएगा, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिस्टम के टाइप से भी बन सकता है, कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये जरूर आप देखिएगा, है ना। सिस्टम के टाइप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चन बन सकता है। बताइए क्या आंसर आएगा, बहुत बढ़िया बात, जिन्होंने अभी बी आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1/√6 ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। देखो जरा प्लीज, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमने वो क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन भी हमारे पास हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का आप जो है मुझे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, है ना। आरएमएस वैल्यू क्या कैलकुलेट करके बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रायंगुलर वेव है, उसके बाद आपको स्क्वायर वेव दे दी, उसके बाद आपको जो है साइनोसॉइडल वेव इस तरह से दे दी, ये आपके पास 2 से 3 सेकेंड, और उसके बाद जो है ये 5 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपको यहां पर दिया हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 12, इसका दिया हुआ है 1, और इसका दिया हुआ है अगेन 1। इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कितने लोग इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू आपने निकाल दिया ना, बाकी सारे आरएमएस वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, रटने की कोशिश करिएगा भी मत, आंसर फटाफट आ जाएगा, बस सीखने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करनी है बस। ये सिग्नल दिया हुआ है, इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना, एवरेज वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, करिए जरा प्लीज। ये कंसेप्ट मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन यहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इसलिए हम वापस डिस्कस कर रहे हैं इसको, है ना। नहीं आता तो सीखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो जरा प्लीज, जो कर सकते हैं वो ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको जो है क्या चाहिए वो देखो जरा प्लीज, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वैल्यू आप जो है कैसे कैलकुलेट करते हो, अगर हमारे पास 1 ओम का कोई रेजिस्टेंस है उसमें आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, पावर के फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप देखिएगा जरा प्लीज। जैसे पावर क्या होता है, पावर होता है हमारे पास आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, या ऐसे निकालते हो, है ना, या फिर पावर आप कैसे निकालते हो, पावर आप निकालते हो वी आरएमएस स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ऐसा निकालते हो ना। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ले लूं तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ आर इक्वल टू 1 पावर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, कंसेप्ट भी सीखेंगे और हम जो है इस क्वेश्चन को भी करेंगे, आई आरएमएस स्क्वायर, और या फिर पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आरएमएस स्क्वायर, यही हो जाएगा ना।
अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूँ कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर वैल्यू, पावर होता है किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू, किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू होता है ना उसका स्क्वायर होता है, यही होता है पावर फॉर द रेजिस्टेंस वन। तो अगर मुझे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर का क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे ना। अब हमें क्वेश्चन ये है पावर कैसे कैलकुलेट करें, पावर होता है एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, है ना, साइकिल का टोटल टाइम, टोटल साइकिल टाइम, साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम। अल्टीमेटली हम यहां तक तो पहुंच गए कि हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पावर चाहिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए और टोटल सर्किट साइकिल का टाइम चाहिए। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में टोटल साइकिल का टाइम कितना है, टोटल साइकिल का टाइम हमारे पास टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, कितना है 5 सेकेंड, चलो इसको रख देते हैं हम, टोटल साइकिल का टाइम भी हमारे पास 5 सेकेंड है, इसको रख दिया। लेकिन अब हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी हम निकालना सीखते हैं। अल्टीमेटली हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल यही फॉर्मूला है, आरएमएस एनर्जी अपॉन टोटल साइकिल टाइम और उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, यही हमारे पास आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला रह जाएगा। दुनिया में कोई सा भी सिग्नल हो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जरा देखते हैं हमारे पास एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में कितने टाइप के सिग्नल हो सकते हैं, साइन सिग्नल हो सकता है या कोसाइन सिग्नल हो सकता है, यही हो सकता है ना। इसका एनर्जी जो रहता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 रहता है, ठीक बात। उसके बाद रेक्टेंगुलर सिग्नल हो या फिर स्क्वायर सिग्नल हो या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो, ये हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई सिग्नल हो सकता है क्या, और भी कोई सिग्नल होंगे तो अभी हम देख लेंगे। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो तो हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बस एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर देंगे। तीसरा किस टाइप का सिग्नल होगा, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है या फिर शॉर्ट टूथ हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है, है ना। ये हमारे पास शॉर्ट टूथ आ जाए, ट्रायंगुलर आ जाए, इस तरह से हमारे पास जो है उसका एनर्जी वैल्यू रहता है ए स्क्वायर बाई 3, जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा ना उसका ए स्क्वायर बाई 3, और एनर्जी के लिए जो भी उसका पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो भी एनर्जी के लिए, ये हो गया पावर, और किसी भी सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम पिछले वाले डायग्राम में देखते हैं, साइन वाले सिग्नल को देखो, साइन वाले सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है। हमारे पास साइन का एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, 2 सेकेंड का टाइम है, और यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक बात। ये हो गया साइन वाले सिग्नल की एनर्जी, पहला केस हो गया। उसके बाद हम स्क्वायर का देखते हैं, स्क्वायर का टाइम पीरियड कितना है, 2 से 3, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड भी कितना है, 1 है। चलो देखते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, 1 स्क्वायर, टाइम पीरियड है 1, अल्टीमेटली कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा तीसरा पार्ट है, ट्रायंगुलर है या फिर शॉर्ट टूथ है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, एम्पलीट्यूड 2 है, और साइकिल का टाइम पीरियड, इसका खुद का पर्सनल टाइम पीरियड जो है ट्रायंगुलर का, वो कितना है, 2 सेकेंड का, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड भी 2 है, ये आ जाएगा हमारे पास 8/3, कितना आ जाएगा, 8/3। अल्टीमेटली हमारे पास ये एनर्जी आ गई तीनों। अब अल्टीमेट हमारे पास तीनों एनर्जी को ऐड कर दीजिए, 1+1+8/3 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करिए और फिर क्या ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइएगा फटाफट। 2+8/3 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ आंसर, ये आ जाएगा 0.966, ठीक है, 0.966। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो जरा।
0.966 यही आना चाहिए। 26/15 कैसे आएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 3/6, 3/3, 8, 6/14, 14/15 आएगा ना, उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 14/15 ना, उसका अंडर रूट रहेगा। ये वाला लिख सकते हो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 14/15 ये आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही ध्यान रखना है। मैं ना इसके रिगार्डिंग दुनिया की कोई सी भी वेवफॉर्म बना सकते हो, ठीक बात है। अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा, 7th नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें हमारे पास कैसा वेव था? ट्रायंगुलर वेव था। और ट्रायंगुलर वेव के लिए एनर्जी क्या होता है? a²/3 × टाइम पीरियड, ठीक है। एनर्जी देख लेते हैं, ट्रायंगुलर वेव के लिए एनर्जी कितना है? केवल एक ही साइकिल का जो टोटल टाइम पीरियड है वो टी है। हम आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी जस्ट हमने फॉर्मूला सीखा, एनर्जी निकाल दो अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक बात है। एनर्जी क्या है? एनर्जी होती है इसका a²/3। ए हमें दे रखा है कितना? 1/3, ठीक है, 1/3। और कितने टाइम के लिए ये स्पेसिफाइड है? t/2 के लिए, 1/3 × t/2 रख दिया यहाँ पर, 1/3 × t/2 ये आ गया एनर्जी। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है टी, टोटल टाइम का डिवाइड कर दो टी, टी से टी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1/6, मतलब कितना आ जाएगा? 1/√6। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है कि नहीं? आपको इतना बड़ा क्वेश्चन समझाने की मतलब यही था कि हमारे पास उसका कोई छोटा सा पार्ट भी आ जाए, फटाफट कर लो ऐसे, कोई हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रटना है कि इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है, इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है हाफ वेव का। इतनी बड़ी टेबल है, कब याद करोगे उसको? आरएमएस वैल्यू याद करते जाओगे, दुनिया में दूसरी नई वेव फॉर्म बना दी तो हम कैसे करेंगे? वही सीखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, इसी बात को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है बस, और ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये जो हमने येलो मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन हमारे पास ईएमएफटी से भी रहेंगे। ईएमएफटी में अगर हम प्योर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कंसीडर करें, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड हो सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर टाइम वेरिंग फील्ड हो सकता है। यहाँ पे पूछा है स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, मैक्सवेल इक्वेशन, उसको हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं? इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, या नन ऑफ दी अबो, विच विल बी द राइट आंसर? फटाफट बताइएगा। इसकी पावर है वो एनर्जी तो इनफाइनाइट है, आकाश अटल। आकाश जी, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली द हाउ टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू, और उस आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है ये एक सबसे यूनिवर्सल मेथड है। हाँ भाई, हम पढ़ के ही आए हैं और जो है पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक बात। आपको अच्छा नहीं लगता तो मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, आईएएस क्वालिफाइड है, आपका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगता है तो देखिए जरा प्लीज, that is the universal concept to how to get the RMS value. We are not discussing about the RMS value, how to calculate the energy signal or power signal. कोई बात नहीं, ठीक है, इनको अपना व्यू रखने का जरूर है, लेकिन आराम से आप जो है तमीज से पेश आ सकते हैं। अपना व्यू जरूर रखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम जो है
सर्टिफाइड ही है, लेकिन हमने जो है इस मेथड को डेवलप किया हुआ है अपने से, एंड दैट इज द यूनिवर्सल मेथड। किसी भी मेथड पे आप लगा दीजिएगा, आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, एनर्जी सिग्नल निकालना हो, पावर सिग्नल निकालना हो, उसका एक हम जो है सिग्नल सिस्टम में अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, बस यही है कि थोड़ी तमीज रखा करो, और कोई मतलब नहीं है। सीखना है, सीखने के लिए आए हो तो सीख सकते हैं। हाँ, एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल के बारे में अगर हम लंबा चौड़ा लेक्चर देना स्टार्ट करें तो बहुत टाइम चला जाएगा। हम केवल आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, चलो आप आगे देखिएगा। प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमारे पास कोई मैक्सवेल की इक्वेशन है, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक डेल क्रॉस ई इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट देखिए जरा प्लीज। देखो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या आएगा, देखो हम जो है मैक्सवेल इक्वेशन की अगर हम बात करें, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जो है दो चार चीज सीख लेते हैं ना तो भाई और ब्रो इस तरह के शब्द निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और हाउ टू कि दूसरे को हम किस तरह से नीचा दिखाएं ऐसा आने लगता है। अहम जो है वो रावण का भी नहीं रहा, आप तो अहम रख के करोगे भी क्या। चलो क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, हमें जो है हमारे टारगेट की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन को हम जो है कई सारी फील्ड में देखते हैं, स्टैटिक फील्ड में देखते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखते हैं, टाइम वेरिंग फील्ड में देखते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि मैक्सवेल फील्ड जो है स्टैटिक फील्ड के लिए अलग होगी और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अलग होगी। ठीक बात, तो यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास चार इक्वेशन होती है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन रहती है। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कैसी है ना, थर्ड इक्वेशन हमारे पास डेल क्रॉस ई इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर रहता है माइनस डेल बी बाई डेल टी, और इसको आप जो है माइनस डेल म्यू डेल एच बाई डेल टी भी लिख सकते हो। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन जो रहती है और डेल क्रॉस एच इक्वल जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ये जो सारी हमने लिखा है ना, ये किसके लिए है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। अब हम जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये सारी टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्टैटिक फील्ड, कैसा फील्ड, स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड में हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फील्ड में ये डेरिवेटिव टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, डेरिवेटिव टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जीरो, और डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जे रह जाएगा ना। स्टैटिक फील्ड के लिए हमारे पास इस तरह से, अगर आप जो है टाइम वेरिंग फील्ड की इक्वेशन ध्यान रख लेते हो ना, तो स्टैटिक फील्ड की इक्वेशन निकालना बहुत इजी है। डेरिवेटिव टर्म को क्या कर दो, जीरो कर दो, क्योंकि स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट फील्ड का डेरिवेशन कितना होगा, डेरिवेटिव पार्ट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास स्टेट कौन सा स्टेटमेंट देती है, यहां पर हमें बताना है। क्लोज
डी डॉट डी एस क्लोज सर्फेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस डी वी, आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आकाश जी को एक चीज और सीखने की जरूरत है कि सिग्नल सिस्टम तक सीमित नहीं रहे, कम्युनिकेशन सिस्टम सीखते हैं ना तब ये जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है, वो जो है केवल सिग्नल सिस्टम तक सीमित रह गए, इसके लिए जो है 12 सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है तभी आप ऐसा डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में हमें नॉलेज दिया जाता है ओनली अबाउट द एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में मूव करते हैं तब जब उन एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल का यूज करते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं इन सारी टर्म्स को, इन सारी इक्वेशन को याद तो कर सकते हो, आपका कोई दवे फ्रेंड हो तो आप याद कर सकते हो इजीली, है ना। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई तो थी, दवे अगर आपका कोई फ्रेंड हो डी बी ई एच, है ना, ये दवे बन जाता है, स्टार्टिंग में डाइवर्जेंस होता है दो इक्वेशन में और बाद में क्या लेते हैं कर्ल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सर प्लीज, ये क्या डाइवर्जेंस थ्योरम, हमारे पास जो है ईएमएफटी में तीन इंटीग्रल लेते हैं, कौन कौन से, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, तीन इंटीग्रल लेते हैं, ठीक बात। लाइन इंटीग्रल में हम जो है कोई भी वेक्टर है ए डॉट डी एल, अगर उसका लाइन इंटीग्रल लें, उसी तरह सरफेस इंटीग्रल में ए डॉट डी एस से हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं और ए डॉट डी वी से हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखो जरा प्लीज, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास दो थ्योरम होती है, एक तो स्टॉक्स थ्योरम होती है और एक डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है, ये स्टॉक्स थ्योरम कहती है। कैसे, देखो जरा प्लीज, क्लोज लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर का लोगे ना उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है, बस आपको क्या करने की जरूरत है, उस वेक्टर का कर्ल लेना पड़ेगा, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कर्ल का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। उसी तरह ये हो गई स्टॉक्स थ्योरम, उसी तरह हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। कैसे, देखो जरा प्लीज, डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये बोलती है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो किसी भी वेक्टर का, है ना, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, इसको जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करोगे ना उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी वेक्टर हो उसका आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है, डेल डॉट ए, ठीक है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब ही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करना हो गया और कर्ल हमारे पास स्टॉक्स थ्योरम से रिलेटेड होता है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम पूछी है तो हमें क्या देखना है कि वेक्टर का क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, हमें ये ऐसा, देखो जरा प्लीज कहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस लिया गया है, कोई भी क्लोज सर्फेस इंटीग्रल हो और क्लोज सर्फेस इंटीग्रल को हमने आगे देखा हो, क्लोज सर्फेस इंटीग्रल को हमने क्या लिया हो, डॉट प्रोडक्ट लिया हो, ऐसे ही थ्योरम हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंस थ्योरम होगी, सही बात है, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। बाकी सारे देख लो, ये वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर रहा है, नहीं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज कर रहा है लेकिन यहाँ पे कर्ल लिया जा रहा है, सही बात है, यहाँ पे भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर भी कर्ल लिया जा रहा है, इसीलिए जो है हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, ये हमारे पास ईएमएफटी के ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है जिसमें हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर आप पॉइंट पी पे बता सको क्या होगा ये कैलकुलेट करके बताइएगा। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है जिसका लोड इम्पीडेंस कितना है 300 ओम है और सर्ज इम्पीडेंस कितना है 300 ओम है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताना है, कमेंट करके बताइएगा फटाफट। आरवीएनएल एग्जाम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों रहेगा, हाँ इसकी पीडीएफ कोर्स में ऐड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कैलाश जी उसको ठोक दिए सर।
हाँ कैला जी आज नए बने हैं ना हैंडलर। हाँ EMFT से बाउंड्री इक्वेशन से। हाँ देख लीजिएगा कंडीशंस याद कर लीजिए, दो चार कंडीशन है, ज्यादा है नहीं। टेंजेंशियल वाली, नॉर्मल वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, दोनों देख लीजिए। फटाफट बताइएगा। क्या करेक्ट आंसर आएगा? सभी कमेंट करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक। अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट क्या होगा? रो इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। एक रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट का फॉर्मूला होता है। ट्रांसमिशन कॉफिशेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस इंटू जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। और स्टैंडिंग वेव रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जेड एल अपॉन जेड नॉट। ठीक है, ये तब फॉर्मूला रहता है इफ जेड एल ग्रेटर देन क्या रहता है? जेड नॉट रहता है। और हमारे पास अगर जेड नॉट बाई जेड एल भी लिख सकते हैं, यदि हमारे पास क्या हो, जेड नॉट ग्रेटर देन जेड एल हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूले हैं ये रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट फॉर वोल्टेज है, ये ट्रांसमिशन कॉफिशियंट फॉर वोल्टेज है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम में करंट के लिए भी पूछा जा सकता है। यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि वोल्टेज या करंट के लिए किसके लिए फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करता है। लेकिन हमेशा अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको करंट के लिए पूछा जाए तो वोल्टेज वाले फॉर्मूले में नेगेटिव लगा देना, तब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहां पर भी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो हमारे पास करंट के लिए रहेगा वो नेगेटिव ऑफ रहेगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास देखिएगा जरा प्लीज, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पूछा गया है, जेड एल और जेड नॉट इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर मैच लोड हो जाएगा, और मैच लोड के लिए हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैच लोड के लिए हमारे पास अगर लोड मैचिंग हो जाती है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वन होता है, और स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होता है? वन होता है। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिख दीजिएगा, अगर आपको मैं ये बोलूं कि लाइन को शॉर्ट सर्किट कर दे, है ना, तो शॉर्ट सर्किट करने पर आपको जो है यहां पर मुझे बताइएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर वोल्टेज कितना रहेगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर करंट कितना रहेगा फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन, कमेंट करके बताइएगा फटाफट। उसी तरह मुझे ये भी बताइएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर वोल्टेज एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर करंट इन केस ऑफ ओपन सर्किट लाइन, कमेंट करके बताइएगा दोनों के लिए। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कमेंट करके बताइएगा फटाफट। हाँ अगर ट्रांसमिशन में दो से ज्यादा मीडियम हो ना, तब हम अलग तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तब हम जो है जैसे हमारे पास कई सारी क्वार्टर वेव लाइन होती है, जैसे हम देखते हैं लैम्डा बाई फोर, या फिर हमारे पास इस तरह से जो वेव लाइन होती है, फिर उसके लिए हम जो अलग तरह से कैलकुलेशन करते हैं, वो हमें देखना पड़ता है पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, किस तरह से। पैरेलल में है तो हम उनको पैरेलल की तरह ही ट्रीट करते हैं, और सीरीज में है तो सीरीज की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए, अगर शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट पे इम्पीडेंस कितना हो जाता है? लोड इम्पीडेंस जीरो। अल्टीमेटली आपको इस फॉर्मूले में लोड इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी रख देनी है? जीरो रख देनी है। जीरो माइनस जेड नॉट अपॉन जीरो प्लस जेड नॉट क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। अगर ये माइनस वन आ जाएगा वोल्टेज के लिए, तो करंट के लिए इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस वन। ठीक बात, इसका फैसला हो गया। अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट अगर इसको कर दें, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है?
ओपन सर्किट का मतलब होता है इन्फिनिटी ओम, और इन्फिनिटी ओम हम अगर रख दें, जेड एल इक्वल टू इन्फिनिटी रख दें इस फॉर्मूले में, देखिएगा जरा प्लीज, जेड एल इक्वल टू इन्फिनिटी अगर रख दें तो इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेशन नहीं की जा सकती यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, ठीक है, तब हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी वाले केस में हम इन्फिनिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, जेड नॉट अपॉन इन्फिनिटी और 1 प्लस जेड नॉट अपॉन इन्फिनिटी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और पीछे क्या बचेगा 1 बाई 1, दैट मींस वोल्टेज के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, और करंट के लिए आ जाएगा इसका नेगेटिव पार्ट, दैट इज माइनस 1, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉज, ओम्स लॉ एंड गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ, ओम्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, विच विल बी द राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। ट्रांसमिशन लाइन को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, कहां पर, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप, फिजिकल लेंथ है या फ्रीक्वेंसी बेस, नहीं, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ अगर 4000 हर्ट्ज से कम है तो शॉर्ट लाइन रहती है, 4000 हर्ट्ज से लेके अगर आपके पास जो है 12000 के बीच में रहेगी तो मीडियम लाइन रहती है, और अगर हमारे पास जो है 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा रहती है, ये है ना, इसका यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्ज इंटू किलोमीटर, फिजिकल लेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली नहीं डिफाइन कर सकते, कभी भी नहीं डिफाइन कर सकते, इट विल ऑलवेज, इट्स मस्ट बी ऑलवेज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ प्रोडक्ट। Why? Because क्योंकि शॉर्ट लाइन मॉडल में हम कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, कैसे नेग्लिजिबल मान लोगे जब फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का वैल्यू हमारे पास मैटर करेगा उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा और साथ ही साथ हम ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट लाइन है तो शॉर्ट लाइन में आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जेड सी क्या हो जाएगा, 1/j ωc, जे ओमेगा सी, सी टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 1/j ω 2πf C into length of line, ये देखो जरा प्लीज, यहां पर जो है हमारे पास सी एफ इंटू एल का टर्म आ रहा है, देखो जरा प्लीज, हम कभी भी किसी भी चीज को जो है नेग्लिजिबल तभी बना सकते हैं, जैसे कैपेसिटी इंपिडेंस है, कैपेसिटी इंपिडेंस को आप नेग्लिजिबल तभी बना सकते हो जब इन्फिनिटी ओम मानते हो, इन्फिनिटी ओम का मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट जब कम होता है तो कैपेसिटी इंपिडेंस जो है बहुत हाई होता है, तब आप जो है कैपेसिटी इंपिडेंस को आप क्या करते हो, शॉर्ट लाइन में ओपन सर्किट कर देते हो, होता है कि नहीं होता है ऐसा शॉर्ट लाइन में, वैसे ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट में पूछिएगा, हम डिटेल से और डिस्कस कर लेंगे, वैसे ये डिटेल से ही है, एक बात बोले तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इंपिडेंस को हम ओपन सर्किट कर देते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट कम है, फ्रिक्वेंसी को केवल नहीं कंसिडर कर सकते और लेंथ को भी केवल नहीं कंसिडर कर सकते, वी मस्ट कंसिडर बोथ द टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, बात तो यही है ना मॉडलिंग की, ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग की हमारे पास बात तो यही है, नहीं फिजिकल लेंथ नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा ही होता हर जगह सही होता तो फिर हमें सीखने की जरूरत क्या होती, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ ठीक है, इंडिया के लिए आप फिजिकल लेंथ में डिफाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप को ऐसा बोलना चाहिए, फॉर इंडिया इट कैन बी डिफाइंड फॉर द फिजिकल लेंथ, कैसे, देखो इस क्वेश्चन को तो हम छोड़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास कितना है 50 हर्ट्ज है, जब हमारे पास इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 4000/50 तब हम जो है एल क्यू को केवल कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लाइन जो की जो लेंथ है वो लेस देन 80 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन ये केवल ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए होगा, कम्युनिकेशन लाइन के लिए ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा फिजिकल लेंथ का, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड बोथ फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, हमें यूनिवर्सल कंसेप्ट सीखने की जरूरत है क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में होती है, वहां पे जब फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई होगा तब आप कैसे डिस्कस करोगे,
वहां पे जो है हमारे पास 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर की जो लेंथ होती है ना, वो भी हाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी वैल्यू होता है। तब आप कैसे करोगे, अगर 20 मीटर की लाइन को क्या आप शॉर्ट लाइन मानोगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर द कम्युनिकेशन लाइन इट इज कंसिडर एज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अगर गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी रखोगे तो। ठीक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। चलो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, बीच में क्वेश्चन मत पूछो, लास्ट में पूछ लीजिएगा। द कॉम्बिनेशन द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है, डेल डॉट डी इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, हमारे पास डेल रो वी बाई डेल टी ये आ जाएगा। डेल डॉट डी मतलब डाइवर्जेंस है, किसका डाइवर्जेंस है, अगर आप क्लोज सर्फिस इंटीग्रल करते हो किसका, आपके पास करंट डेंसिटी का। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्लोज सर्फिस इंटीग्रल कैन बी चेंज इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, कैन बी चेंज इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट जी डीवी आ जाएगा, यही आएगा ना, ये आ जाएगा। और डेल डॉट जी हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है ओम्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, ओम्स लॉ का हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म और ये ओम्स लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओम्स लॉ तो फिक्स हो गया भाई साहब, अब हमें यहाँ पर जो है गॉस लॉ भी लग रहा है ना, डेल रो वी बाई डेल टी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास अगर आ रही है, रो वी डी वी की टर्म अगर हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा चार्ज, और चार्ज की भी बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा लॉ आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा। दोनों टर्म आ रही है इस इक्वेशन में, दोनों टर्म आ रही है, अल्टीमेटली ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन स्किन डेप्थ के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास इन ए मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी 6, किसी भी मीडियम में कंडक्टिविटी 6 दिया हुआ है आपको, केस फर्स्ट दिया हुआ है, केस फर्स्ट में आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 25 सेंटीमीटर इसका क्या है, स्किन डेप्थ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्किन डेप्थ दिया हुआ है। केस सेकंड में आपको क्या पूछा है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब स्किन डेप्थ निकालना है, डेल्टा 2 निकालना है केस सेकंड में, और आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, एफ टू 4 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो बताइएगा सेकंड केस में स्किन डेप्थ क्या होगा, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए स्किन डेप्थ कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। स्किन डेप्थ कैन बी रिलेटेड विद द हमारे पास जो स्किन इफेक्ट होता है वो, स्किन डेप्थ को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी हमें सीखने की जरूरत है। स्किन डेप्थ क्या होती है रियलिटी में, हम बोलते हैं ना कि एसी में जो है करंट जो है हमारे पास जो है वो कहाँ तक फ्लो होती है, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे फ्लो होती है एसी में, और जो है यहाँ पे करंट डेंसिटी यहाँ पे जो बीच में है करंट नहीं फ्लो होता है, ऐसा ही स्किन इफेक्ट होता है ना। जब हम अंदर की तरफ जाते हैं सेंटर की तरफ किसी भी कंडक्टर में, तब हमारे पास अगर करंट या फिर हमारे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी 67% तक डिक्रीज हो जाए, कितना, वह डेप्थ जिसमें हमारे पास कोई भी कंडक्टर जिसमें डेप्थ में 67% तक करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन स्किन डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये बताइए जरा प्लीज। स्किन इफेक्ट में जो स्किन रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एफ म्यू आर अपॉन रो, ये स्किन रेजिस्टेंस है, लेकिन हम स्किन डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला स्किन डेप्थ का फॉर्मूला नहीं, इट इज द फॉर्मूला फॉर स्किन रेजिस्टेंस, हालांकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप जो है थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। स्किन डेप्थ क्या होगा, स्किन डेप्थ हमारे पास होगा अंडर रूट स्किन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एट्यूनेशन कॉन्स्टेंट का, सॉरी है ना, एट्यूनेशन कॉन्स्टेंट का होगा, इसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ठीक है, अंडर रूट पाई ऑफ म्यू सिग्मा, डेल का जो हमारे पास स्किन डेप्थ का रिलेशन है वो कैसा है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन यूज करो और अब मुझे आंसर बताओ दोनों केस में, फटाफट देखिएगा जरा प्लीज। 50 and 12.50 ऐसे थोड़ी चलेगा कि दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो आपको जो है यहाँ पर 50% कॉन्फिडेंस रहेगा और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो 100% एग्जाम में गलत होगा। क्यों, क्योंकि तुक्का कभी सही नहीं होता।
फटाफट कर दो, कितना आया देखो जरा प्लीज। यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, डेल वन अपॉन डेल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ टू बाई एफ वन। ठीक है, हमें निकालना है डेल टू ना, डेल टू इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ वन बाई एफ टू इंटू डेल वन। एफ वन कितना है, वन बाई फोर इंटू डेल वन, 25 बाई रूट टू, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बी राइट आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो इसमें बोला गया है एक क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन, एक कोई भी क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सेक्शन हमारे पास यूज करता है इंटरफेरिंग फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए। कितनी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, 100 मेगाहर्ट्ज की। तो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होगी ये बताना है। तो क्वार्टर वेव लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसका मतलब होता है उसका जो हमारे पास लेंथ होता है वो लैम्डा बाई फोर होता है। ठीक है, अब लैम्डा क्या है, लैम्डा वेव लेंथ है। और अब आपको सोचना है कि वेव लेंथ को फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पे हमारे पास लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एल इक्वल टू लैम्डा बाई फोर से कैलकुलेट करके बताइएगा कैसे आप रिलेट कर सकते हो एक वेव लेंथ को फ्रिक्वेंसी के साथ। क्वार्टर वेव लाइन का मतलब लैम्डा बाई फोर, लेंथ इतना होगा हमारे पास। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ, यस लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ। सी कितना होता है, 3 × 10⁸ ना, मीटर में चाहिए हमें, मीटर पर सेकेंड। और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4 × कितना दे रखा है, 100 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में तो ये तो कैंसिल आउट होने वाला है, 3/4 दैट मीन्स 0.75 मीटर। कितना, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अब हम मूव करते हैं मशीन की ओर। एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज, हमारे पास अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें फॉर द इंडक्शन मोटर, तो हमारे पास ये मालूम होना चाहिए आपको कि लो वैल्यू ऑफ स्लिप को टॉर्क के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये टॉर्क है आपके पास, और यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पीड कितना, जीरो, स्लिप कितना होगा, वन। यहाँ पे स्पीड कितना, ns, और स्लिप कितना हो जाएगा, जीरो। अल्टीमेटली लो स्लिप आपको कहाँ मिलेगा, लो स्लिप मिलेगा ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपको लो स्लिप मिलेगा। और यही जो है स्टेबल पॉइंट होता है किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए। इस पॉइंट पे मोटर का टॉर्क रिलेशन कैसा होता है, मतलब स्लिप के साथ। अगर हमारे पास इधर जाओगे स्लिप घट रही है, तो इधर जाओगे तो स्लिप, टॉर्क भी क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों के बीच में अगर आप वैसे फॉर्मूला नहीं भी ध्यान रखो तो डायरेक्ट आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप आती है। इधर आगे बढ़ने पर हमारे पास स्लिप घटती है, तो टॉर्क भी हमारे पास धीरे धीरे जो है वो घट रहा है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी विल बी द राइट आंसर। ये तो हमने डायग्राम के थ्रू समझा, अब हम फॉर्मूला के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, के ई टू स्क्वायर एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास स्लिप लो है ना, स्लिप लो है तो एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर टर्म जो है वो बहुत कम होगी कंपेरिजन टू आर टू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमें कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करें ये हमें सोचने वाली बात है, किसको एलिमिनेट किया जा सकता है जिसकी वैल्यू लो। ठीक बात, तो हम एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एट लो स्लिप के टू स्क्वायर एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। यहाँ से आर टू कैंसिल आउट, एक रह जाएगा आर टू डिनोमिनेटर में, के ई टू स्क्वायर एस अपॉन आर टू। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब टॉर्क को डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हो स्लिप के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप।
यहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में ये वाला जो रीजन है ये नॉन लीनियर रीजन है, इसमें टॉर्क जो है स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप घट रही है और टॉर्क जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो कैसा रीजन होता है, नॉन लीनियर रीजन होता है, हाई स्लिप रीजन, इसको बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। ऐसा भी पूछा जा सकता है हाई स्लिप रीजन में आपके पास कैसा रिलेशनशिप होता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। और इस इधर साइड अगर आप देखोगे लो स्लिप रीजन में आपके पास कैसा रिलेशन होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ठीक बात। अब देखो जरा प्लीज हमारे पास इससे रिलेटेड और क्या कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है, कभी भी आपके पास ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको पता है इंडक्शन मोटर हमेशा स्टेबल रीजन में ऑपरेट करेगी, कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करेगी, स्टेबल रीजन पे, बी पॉइंट पे, जैसा अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में शो किया, बी पॉइंट पे ऑपरेट करेगी, तो कौन सा रीजन रहेगा, लो स्लिप रीजन रहेगा। लो स्लिप रीजन में हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली टॉर्क इक्वल टू के वी स्क्वायर एस अपॉन आर टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये पूछा जा सकता है स्लिप को अगर हाफ कर दें, वोल्टेज को डबल कर दें, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर ले, तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, मतलब अनाप शनाप क्वेश्चन बना सकते हो, वोल्टेज को इतना कर दें तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, स्लिप को इतना कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करें तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें हमें जो है समझ नहीं आता कैसे करें, तो उन सभी जगह आप जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और अपना जो भी कंक्लूजन है वो निकाल सकते हो। करंट का भी आप देख लो जरा प्लीज, करंट का फॉर्मूला जो रहता है वो एस वी अपॉन आर टू ये रहता है। अगर आपको पूछा जाए स्लिप बढ़ाने पे जो है करंट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, हमारे पास स्टेबल रीजन में स्लिप बढ़ाने पे करंट हमारे पास बढ़ेगा, ठीक है, स्लिप घटाने पे करंट घटेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं इन द स्टेबल रीजन, करंट हो, वोल्टेज हो, रोटर रेजिस्टेंस हो, स्लिप हो, इन सब के बीच में रिलेशन शो करता है, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, डीसी मोटर के केस में हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होता है, किस पोजीशन पे फ्लक्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा ये हमें बताना है डीसी मोटर के केस में, पोल कोर में या अंडर द इंटरपोल या अंडर द लीडिंग पोल ट्रिप या फिर अंडर द ट्रेलिंग पोल ट्रिप, ठीक बात है, बताइएगा जरा प्लीज कौन सा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। भाई स्लिप का रिलेशन आ गया तो स्पीड करंट का भी आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, एन आर इक्वल टू एन एस वन माइनस एस, देखो जरा प्लीज ये क्वेश्चन जो है आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें जो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है आर्मेचर फ्लक्स का किसके ऊपर इफेक्ट होता है, फील्ड फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्लक्स वेवफॉर्म आती है, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेवफॉर्म फ्लक्स जो रहती है उसमें फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, कई जगह ट्रेलिंग पोल ट्रिप पे रहती है, कई जगह हमारे पास जो है लीडिंग पोल ट्रिप पे रहती है। तो हमें देखना है कि डीसी मोटर का केस है या जनरेटर का केस है, उसके रेस्पेक्ट में बताना है। अंडर द इंटरपोल कैसे होगा यार, अंडर द इंटरपोल नहीं रहता हमारे पास, ठीक है। यहां पर देखो जरा प्लीज ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरपोल तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ना, ये है हमारे पास, ये पोल है हमारे पास एन पोल है, ये एस पोल है, ये इसका एक पोल टिप है, ये दूसरा पोल टिप है, लीडिंग या ट्रेलिंग रहेगा ये हम देखेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो रिजल्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो कैसी आ रही है, ये तो हमारे पास जो है फील्ड फ्लक्स की वेव फॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये आर्मेचर फ्लक्स की वेव फॉर्म है, और ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये वाला क्या आ रहा है, रिजल्टेंट।
जो पीक फ्लक्स डेंसिटी आ रही है ना वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पे जो है हमें पीक फ्लक्स डेंसिटी मिल रही है, और यही हमें पूछा है। ये इंटरपोल पे तो नहीं मिल रहा है ना, इंटरपोल पे कहाँ मिल रहा है? कई लोग इंटरपोल आंसर दे रहे हैं लेकिन इंटरपोल नहीं, हमें पीक फ्लक्स डेंसिटी रिजल्टेंट की बतानी है। ये कहाँ मिलेगा? देखो मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो लीडिंग पोल ये हो गया और ट्रेलिंग पोल कहाँ हो गया? ये हो गया। तो हमें मोटर में कहां पर मिलेगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी? लीडिंग पोल टिप पे मिलेगा। जनरेटर के लिए देखते हैं, जनरेटर में जनरेटर की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। जनरेटर में अगर इधर की डायरेक्शन है तो जनरेटर के लिए लीडिंग कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। और ट्रेलिंग कौन सा हो गया? हम दूसरा पोल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसी में नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लीडिंग पोल टिप इधर हो गया और ये हमारे पास ट्रेलिंग पोल टिप हो गया, ठीक है। अब देखोगे ट्रेलिंग पोल टिप पे आपके पास अगेन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलेगा, किसके रिगार्डिंग? जनरेटर के रिगार्डिंग। यही क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। देखो जनरेटर के लिए ट्रेलिंग पे और मोटर के लिए लीडिंग पे, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। हमारे पास अल्टरनेटर में हम पोर्टियर ट्रायंगल कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं और या जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें जो पोर्टियर रिएक्टेंस होता है वो हमें क्या शो करता है ये बताना है। फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस, टोटल आर्मेचर रिएक्टेंस या लीकेज रिएक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, विच विल बी द राइट आंसर प्लीज कमेंट करिएगा। फटाफट बताओ जरा। अरे इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? ऐसे कैसे ढीले पड़ गए? आंसर दो फटाफट। देखो जरा प्लीज, फोर्टियर ट्रायंगल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो तो हमारे पास इस तरह से बनती है। देखो जरा प्लीज, ये जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रायंगल बन जाता है। ये जो है ट्रायंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं फोर्टियर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, ए और बी, बी एंड सी, ए और बी साइड हमारे पास रहेगा, इधर हमारे पास रहेगा, जैसे मान लीजिए इधर आर्मेचर एमएमएफ ले लेते हैं, इधर आप एमएमएफ ले रहे हो, तो इधर हमारे पास आर्मेचर एमएमएफ एफ ए इक्वल टू एन आई ए रहेगा, और इधर साइड आपके पास वोल्टेज आप कंसिडर कर रहे हो, तो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा आई ए एक्स एल। तो ये जो हमें शो करता है ए बी जो आर्म है, ये हमें आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप शो करता है, और ये जो आर्म है ये हमें आर्मेचर एमएमएफ शो करता है। ये भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। तो आपको देखना है कि एक्चुअली हमारे पास जो है ना वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे एक्यूरेट जो मेथड है वो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड है। जेड एफ सी मेथड जो है वो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट तभी पता चलेगा ना जब हमें रिएक्टेंस की वैल्यू एग्जैक्ट हमें जो है वो एग्जैक्ट मिले, और रिएक्टेंस कौन सा हमारे पास कैलकुलेट करना है? आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है, और वो जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द फोर्टियर ट्रायंगल, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, फिर हम जो है कल डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल और आगे इस सीरीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर हमारा टारगेट है क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करना जिनको जो है हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा उस सब्जेक्ट के सारे से सारे कंसेप्ट जो है वो आ जाए हमारे पास, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके आपको करवा रहे हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो बता दीजिएगा, आकाश जी की तरह अगर कोई डाउट रहता है तो जरूर बताइएगा, लेकिन बस मैनर्स मेंटेन करिए, इतना चाहते हैं, हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। देखो जरा प्लीज, ए 50 केवीए
3300 230 volt single phase transformer is connected as an auto transformer shown below. The nominal rating of the transformer will be, आपके पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है 50 केवीए का, एसटीडब्ल्यू कितना दिया हुआ है 50 केवीए, और 3300 / 230 वोल्ट, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट किया हमने जैसा डायग्राम में दिया हुआ है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास केवीए रेटिंग क्या आएगा, उसके लिए तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज एसटीडब्ल्यू अपॉन 1 - K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। एसटीडब्ल्यू तो हमें दिया हुआ है 50 केवीए अपॉन 1 - K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंपली K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इज नॉट द बेस्ट मेथड। देखो ये टेक्स्ट बुक से आप सीख के आगे, फिर जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नाम हो गया तो उसका मतलब वो क्या अच्छा हो गया, वो MMF मेथड का मॉडिफिकेशन है, करेक्ट। अभी बताते हैं आपको लास्ट में, इस क्वेश्चन को एंड होने दीजिएगा। K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालो, इट मस्ट बी नोटेड दैट K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू जो है 0.5 से ज्यादा हो और 1 के बीच में हो। सबसे पहली चीज, K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर नॉट द V2/V1, नॉट द V1/V2, इट इज ऑलवेज लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, इसी का रेशियो होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का रेशियो होना चाहिए, साथ ही साथ यस MMF ऑप्टिमिस्टिक, यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। MMF ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, हमें बता देता है कि ये कम आया वोल्टेज रेगुलेशन, अभी वही डिस्कस करने वाले हैं। ये बताओ जरा प्लीज, के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आप कैसे सेलेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा 1 के बीच में होनी चाहिए और रेशियो होना चाहिए लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज का। अब आप देखो जरा प्लीज, यहां पर आप जो है दूसरी साइड वोल्टेज कौन सा सेलेक्ट करोगे, 230 ही सेलेक्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और 230 सेलेक्ट करोगे तो 230 अपॉन 3300 ये हमारे पास तो 0.5 से कम ही आएगा, फिर तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या करें, यहां पर हम जो है सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है, यहां पर अगर 3300 वोल्ट है और दूसरी साइड इधर साइड कितना है 230 वोल्ट है, अब देखो सेम पोलैरिटी है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा बताओ जरा, आउटपुट साइड पे 3300 + 230 कितना आ जाएगा 3530 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास इस साइड। हाँ पैसे मिस्टेक याद है, पैसे मिस्टेक मतलब परेशान करने वाला, ठीक। अभी देखो जरा प्लीज, तो अल्टीमेटली लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज है 3300 और हाई वोल्टेज है 3530, रेशियो कितना आ जाएगा ये बताओ जरा प्लीज, के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर 3300 0.9348, बहुत बढ़िया रेशियो आया, इसको यहां पर रख दो 0.9348 को 1 - आंसर 50 अपॉन आंसर, ये आ जाएगा 767.4 केवी, डी विल बी द राइट आंसर, इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा डी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, ठीक बात। कौन सा एजुकेशन अवैध या वैध ये बताओ, देखो ये आंसर तो हो गया हमारे पास 767.4 के भी आया, अभी मुझे और डाउट है वो बताओ, आप क्या पूछ रहे थे, किसमें क्या कंफ्यूजन होता है बताओ,
अद्वैत, ठीक बात, ठीक। कौन क्या बता रहा है, दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है, बस आप मुझे पूछिए डाउट, मैं आपको सही बताऊंगा, ये बात है। नहीं तो नहीं बताएंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं बताएंगे, आएगा तो वो सही बताएंगे। बेस्ट मेथड वोल्टेज रेगुलेशन सिंक्रोनस मोटर का, क्यों भाई साहब वोल्टेज रेगुलेशन सिंक्रोनस मोटर का कब से कैलकुलेट करने लग गए? सिंक्रोनस जनरेटर बोलिए सर। ऐसा क्या करें हम सेफ क्वेश्चन लग जाए? नेगेटिव मार्किंग मत करिए, कॉन्फिडेंस है तो ही अटेंड करिए, टू राउंड सिस्टम करिए। नमस्कार सुरेंद्र जी, जयंत साहब, हाँ सिंक्रोनस जनरेटर बोलो। वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर द सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर, ऐसा नहीं करते, जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए होता है। अभी देखो जरा प्लीज, यहाँ पर बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। आप, आपको एक ट्रिक के थ्रू बता देते हैं ना, इसमें पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमएमएफ मेथड, एएसए मेथड, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक मेथड, सेचुरेशन मेथड और ईएमएफ मेथड, ये आ गया आपके पास एमएमएफ, एएसए मेथड, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड, सेचुरेटेड ईएमएफ मेथड और ये ईएमएफ मेथड, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, एक्चुअली है क्या, जैसे मान लीजिए वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास आइडियल कितना है, आइडियल एक सॉरी क्या, मोस्ट एक्यूरेट जो है 10% है, ऐसे एज्यूम करिएगा, मोस्ट एक्यूरेट कितना है 10% है, ठीक बात है। अब ये जो हमारे पास एमएमएफ मेथड होता है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक मेथड होता है। ऑप्टिमिस्टिक मेथड का मतलब ये है कि हम आइडियली क्या चाहते हैं, आइडियली चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना बढ़िया, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन को कम शो कर देता है, मान लीजिए ये शो कर देता है 7%, तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह एमएमएफ मेथड से बढ़िया आ गया। इट इज नॉट द बेस्ट मेथड, इट इज द ऑप्टिमिस्टिक मेथड। अरे वो आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन के नजदीक दे रहा है, इसका मतलब कोई बेस्ट थोड़ी हो गया, अरे वो ऑप्टिमिस्टिक मेथड ऑप्टिमिस्टिक हो गया। हाँ, इसमें ईएसए मेथड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड में क्या किया जाता है, इसमें सेचुरेटेड जो हमारे पास पाथ का इफेक्ट आता है उसको भी कंसिडर किया जाता है, और सेचुरेटेड पाथ का अगर इफेक्ट आ रहा है उसको कंसिडर किया जाता है, तो इसमें जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, ये लगभग हो जाएगा 9% हो जाएगा, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं है हमारे पास, है ना। उसके बाद अगर हम ईएमएफ मेथड की बात करें, तो ईएमएफ मेथड हमारे पास कैसा रहता है, पैसिमिस्टिक मेथड रहता है, मतलब निराशावादी, 10% है तो उसको 15% शो कर देगा, फिर क्या मतलब है, ठीक है, 10% को कितना शो कर देगा, 15% शो कर देगा। तो ये पैसिमिस्टिक मेथड हो जाएगा। इसमें वापस हम सेचुरेटेड पाथ का अगर इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास लगभग 12% हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका मॉडिफिकेशन जो है हमारे पास ईएमएफ मेथड का सैचुरेटेड ईएमएफ है, और एमएमएफ का जो मॉडिफिकेशन है वो ईएसए मेथड है, और जेडपीएफसी मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना। ये दो तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं हमारे पास। अब मुझे बताओ डाउट कौन से हैं, और कौन से डाउट है जरा बताओ। हाँ एसएससी में टू राउंड तो पॉसिबल, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बहुत कम चांसेस है, दूसरे राउंड में मुश्किल से 10 मिनट मिल सकते हैं, हो सकता है। टॉर्क पावर, देखो एक बात है, स्टार फॉर्म हो या डेल्टा फॉर्म हो, दोनों पावर सेम कंज्यूम करेगी, ठीक है, दोनों पावर जो है सेम कंज्यूम करेगी, लेकिन हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में, टॉर्क के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं,
चाहे आप स्टार फॉर्म लो या डेल्टा फॉर्म लो, दोनों पावर सेम कंज्यूम करेगी, लेकिन टॉर्क हमारे पास डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम क्या करते हैं, स्टार फॉर्म में इंडक्शन मोटर को जो है स्टार स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। स्टार्टिंग करंट किस फैक्टर से कम हो जाती है, 1/3 से। स्टार्टिंग टॉर्क भी किस फैक्टर से कम हो जाता है, 1/3 फैक्टर से कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर डेल्टा फॉर्म में अगर हम स्टार्ट करते तो डेल्टा फॉर्म में हमारे पास तो ये 1/3 से रिडक्शन होता नहीं ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम चाहते क्या, स्टार्टर जो है स्टार्टिंग में कम करंट ले, यही चाहते, लेकिन नुकसान ये हो जाता है टॉर्क कम हो जाता है स्टार फॉर्म में। फिर हम जो है उसको रनिंग कंडीशन में किस फॉर्म में चलाते हैं, डेल्टा फॉर्म में चलाते हैं। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का, जैसे स्टेटर वाइंडिंग को जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम जो है दोनों कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट करते हैं और रनिंग में डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ट्रांसफार्मर कंडक्टिविटी इंडक्टिविटी क्या, ये तो इजी कंसेप्ट है, ऐसे मत पूछो। कंडक्टिविटी इंडक्टिविटी आपस में जुड़े हुए तो कंडक्टिविटी, आपस में दोनों वाइंडिंग नहीं जुड़ी हुई है तो इंडक्टिविटी, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, वो कॉमन वाइंडिंग से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इंडक्टिव कंडक्टिव दोनों होगा। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है या मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसमें आपस में वाइंडिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, जब कनेक्शन नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं रहेगा। ठीक है, आज बहुत मेहनत करवा दी आपने, टिल देन थैंक यू सो मच। इसी तरह जुड़े रहिएगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, ऐसे धन्यवाद बोलने से कोई मतलब नहीं। मन से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे।